नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 12 अप्रैल 2021 और यहां पर 13 अप्रैल 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, आईटी और मेटल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो शुरुआत करूंगा दोस्तों सबसे पहले फार्मा स्टॉक से। जैसा कि फार्मा में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिला है इधर कुछ दिनों से, और आज भी फार्मा में ब्रेकआउट ही मान के चलेंगे। लेवल तो थे कुछ स्टॉक्स में जैसे डॉक्टर रेड्डी वगैरह में काफ़ी अच्छा लेवल देखने को मिला, जैसा कि मैं चार्ट देख रहा था आने के बाद। तो मूवमेंट तो है फार्मा में, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स में कमजोरी भी है, तो सबको एक एक करके देखेंगे। अजंता फार्मा इसमें ज़्यादा कमजोर लग रहा है, और अजंता फार्मा में एक सेल का पोजीशन भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये डेली के टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 1690 को कल ये ब्रेक करता है तो थोड़ा और कमजोरी देखने को मिलेगा इसमें, जब ये 1660 के लेवल को टच कर सकता है इंट्राडे के कंडीशन में 1690 के नीचे सेल करने पर। एलकम बात करें, एलकम लेबोरेटरीज ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आया, सस्टेन नहीं कर पाया। हालांकि आज तो दिन में एक समय हाई लगा रहा था, ये 2890 के आसपास का था, वो सारे टारगेट कंप्लीट हो गए। एलकम का जो मेरा टारगेट था 2800 वाले, वो सारे हाल, एक टारगेट तो मैंने 2750 के ऊपर भी दिया हुआ था, तो वो भी टारगेट आया 2800 के ऊपर, 2850, वो सारे टारगेट आए। लेकिन अब यहाँ पर जो ये प्रॉफिट बुकिंग आ गया, कहने का मतलब है कि फार्मा में भी आज मार्केट के गिरावट में होल्ड नहीं किया, गया ऊपर जरूर, होल्ड नहीं किया, वो नीचे आता हुआ दिख गया। तो कहने का मतलब है कि मार्केट आपको दो तरफा फंसा रहा है, एक तरफ तो अपसाइड की भी मूवमेंट दिखा रहा है, एक तरफ तो डाउनसाइड की भी मूवमेंट दिखा रहा है। तो आपको दो तरफा फंसाने की कोशिश कर रहा है, या तो आप बाय में साइड बैठेंगे तो आपको लगेगा सेल करने चाहिए, सेल के साइड बैठेंगे तो बाय कर लेना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप से बैठिए, एक आध दिन रेस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वापस से बात करूँ कि अगर 2800 को दोबारा से ब्रेक करता है एलकम, तो फिर से एक बाय का पोजीशन बनेगा 2850 से 2900 के टारगेट के लिए। और वो फार्मा देखिए, और वो फार्मा को ऐसे मैंने सेलेक्ट करके इंट्राडे में तीन स्टॉक्स में थ्री स्टार में दिया सेलेक्ट करके, 950 के ऊपर एक अच्छा पोजिशनल कॉल बनेगा 950 के ऊपर, और टारगेट वापस से 1000 और 1050 के होंगे। लेकिन अगर कल ये वापस ब्रेक कर देता है 900 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को, तो डेली के टाइम फ्रेम पे थोड़ा वीक हो जाएगा, 890-880 तक का टारगेट दिखा सकता है। बायोकॉन 420 के ऊपर क्लोज करेगा, देन पोजीशन बनेगा 430 के लिए। सारे देखिए, अचानक से फार्मा घुमा नीचे है ना, और फिर से नेगेटिव साइड में आ गया, क्योंकि मार्केट की गिरावट ही इतनी भयानक है, सारे तरफ लॉकडाउन लग रहे हैं धीरे धीरे। देखिए संपूर्ण तो नहीं लगा रहा है इस बार समझदारी वाला काम यही है कि संपूर्ण एक साथ नहीं लगा रहे, थोड़े थोड़े आपको डोज दिया जा रहा है, हल्का हल्का डोज दिया जा रहा है, कहने का मतलब लॉकडाउन वाला डोज फीलिंग आपको कराया जा रहा है। तो डर तो लगेगा, तो लोगों में वो डर बैठा हुआ है कि कहीं पूरा का पूरा ना लग जाए, तो ये टेंशन है और होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए। जिस तरह की मार्केट में रैली आई थी, तो मार्केट को थोड़ा हल्का होना भी चाहिए, वो हल्का हो रहा है, अच्छी बात है, फिर उड़ेगा हल्का होने के बाद। अब इसके ऊपर देखें, केडला ऊपर की तरफ में 510 को ब्रेक करेगा तो 520 से 30 के टारगेट देगा। सिप्ला ये देखिए अपने एक ही दिन में 900, लेकिन आप एक चीज़ इसके कैंडल को देखेंगे ना आप, तो आपको कहीं ना कहीं इसके कैंडल देख के ये समझ में आएगा कि ऊपर गया जरूर है ये 940 तक, लेकिन आप इसका देखें रिजेक्शन कितना फास्ट किया है, और ये रिजेक्शन आधा रिजेक्शन ख़त्म कर चुका है, नीचे भी वीक है, ऊपर भी वीक है, और बॉडी है यहाँ पर, यानी कि बॉडी से ज़्यादा वीक बना है। इसका मतलब क्या है कि रिजेक्शन यानी कि प्रेशर में फार्मा भी है। मैं तो आज फार्मा इंडेक्स भी देख रहा था, तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि फार्मा अभी और भागेगा, फार्मा में और भी मूवमेंट मिलने को है। नहीं नहीं, कारण कि मैं जब अभी चार्ट देख रहा था सारे फार्मा स्टॉक्स के, तो एक चीज़ें तो ये दिखने का करके कि फार्मा प्रेशर तो फार्मा में भी है, फार्मा में प्रेशर में फार्मा है ना, भले ही वो लग रहा हो कि ब्रेकआउट आ रहा है, कर रहा है, लेकिन देख रहे ऊपर से रिजेक्शन कितना भयानक है, यानी प्रेशर में बंदा भी है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये भी प्रेशर में। तो अभी हमारे लिए लेवल क्या आएंगे सिप्ला में, कोई लेवल नहीं आएंगे, सबसे बड़ी बात है। 920 अगर होल्ड करेगा तभी बाय साइड में पोजिशन बनाएंगे, टारगेट 940 का होगा, और अगर ये 880 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 860 के टारगेट के लिए, सिंपल सा है, दूसरा कुछ नहीं करना है इसमें। डिवीज लैब देखिए, सारे को रिजेक्शन मिला है ऊपर से, तो एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि भाई ऐसा नहीं कि फार्मा के भरोसे अगर आप बैठेंगे तो पैसा बन जाएगा, नहीं, यहाँ पे भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
फार्मा को भी, तो इस मार्केट में भी थोड़ा सा संभल के ट्रेड कर लीजिए। हाँ, ऊपर की तरफ में अगर 3920 को ब्रेक कर रहे डिवीज लेव तो 4000 के टारगेट देंगे डॉक्टर रेड्डी। देखिए ये एक अकेला, अब इसके पीछे भी रीज़न क्या है इतना बड़ा, तो आपको पता है वो स्पुतनिक भी है ना, स्पुतनिक शायद स्पेलिंग में सही लिख रहा हूँ, स्पुतनिक भी जो रूस का कोरोना वैक्सीन है डॉक्टर रेड्डी ने उसके साथ मिलके बनाया है ना स्पुतनिक भी को, तो वो लॉन्च हुआ या लॉन्च होने के कगार पे है इंडिया में, उसको मंजूरी मिलने वाला है, तो ये है उसका इम्पैक्ट, ये है उसका इम्पैक्ट कि ये अकेला जो है 7% की तेज़ी के साथ टिक गया जाके, तो ये है ऊपर। अब 5200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके पास, कितना 5200 का, तो एक बार ये टारगेट या प्रॉफिट बुक करना चाहे, प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो 5200 के आसपास आएगा, और देन वहाँ से फिर रिजेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। तो नज़र रखिएगा डॉक्टर रेड्डी 4780 के ऊपर निकलेगा तो 4780 कहता हूँ 5100 5150 के ऊपर निकलेगा तो 5200 के एक टारगेट 50 पॉइंट वहाँ से मिलेगा, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आने के चांसेस बनेंगे डॉक्टर रेड्डी में। लुपिन की बात कर लेते, देखिए रिजेक्शन सारे फार्मा अगर न्यूज़ वाले स्टॉक्स को छोड़ दे तो सब में गिरावट आया, भयानक भयानक गिरावट आया। 1100 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 1100 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा नया पोजिशन हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, 1100 के ऊपर निकलेगा तभी पोजिशन बनाएंगे, टारगेट 1150 का होगा। सन फार्मा 640 का रेजिस्टेंस है, 640 को ब्रेक करेगा तभी हाथ लगाइए। टोरेंट फार्मा, देखिए ये मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई फार्मा में परेशानी में फार्मा या प्रेशर में फार्मा, आप ये भी समझिए कि कारण की ज़बरदस्त रिजेक्शन मिल रहा है इसको। 2700 के ऊपर निकलेगा टोरेंट फार्मा तब पोजिशन बनाएंगे 2750 से 2800 के टारगेट के लिए। स्ट्राइस फार्मा की बात करें 900 के ऊपर निकलेगा तो 925-950 के टारगेट। ग्लेनमार्क फार्मा, दोस्तों बता दूं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को जरूर डाउनलोड करिए, गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन, और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन लीजिए, देन स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे मोबाइल में, मोबाइल एप्लीकेशन में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप करते हैं डाउनलोड तो उसको मैं ज़्यादा प्रीफ्रेंस देता हूँ। आगे बढ़ूंगा, अच्छा ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें 550 का एक रेजिस्टेंस है, अब तो अभी 550 छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल ये 535 ही ब्रेक कर दे तो काफ़ी है, 535 के बाद 550-565 का टारगेट। वोकट फार्मा की बात करें, वोकट फार्मा भी काफ़ी नीचे की तरफ आया है, 435 को नीचे निकलेगा, सेल करेंगे 430 से 25 का टारगेट बनेगा। तो ये फार्मा पे मेरा व्यू है दोस्तों, ज़रा आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं और एचसीएल टेक से शुरुआत करते हैं। देखिए एचसीएल टेक 1050 का रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे सपोर्ट है 1000 का, 50 पॉइंट का सपोर्ट है, 50 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, 1050 के ऊपर निकलेगा 1100 का टारगेट, 1000 के नीचे निकलता है तो 950 का सेल साइड में टारगेट। इन्फोसिस लगभग 1% का गिरावट, नीचे सपोर्ट है 1400 का, 1400 के नीचे गिरने पर सेल करेंगे, टारगेट लगभग 1375 से 50 का होगा। और इन्फोसिस के बाद टाटा इलेक्सी की बात करें, 6% से ज़्यादा का गिरावट, बहुत भयानक। इसके चार्ट देख के मुझे लग रहा है ये भी एक दो दिन और पिटाई खाने वाला है। अगर ये नीचे 2890 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 2800 के टारगेट के लिए। माइंडट्री 2100 का सपोर्ट है, उसके ऊपर नीचे निकलेगा तो 2050 और 2000 के टारगेट, ऊपर जाने के लिए कम से कम 2230 को ब्रेक करना होगा। विप्रो 3 स्टार में सेलेक्ट करके दिया है, विप्रो के पास सपोर्ट है 425 का, 425 के पास होल्ड किया तो ठीक, नहीं तो 420 का टारगेट। टेक महिंद्रा ऊपर की साइड में 1060 के ऊपर निकलेगा तो 1100 के टारगेट बनेंगे। TCS 3200 का सपोर्ट है, 3200 के नीचे निकलने पर परेशानी होगा, 3200 नहीं तो इसको 3200 से ही बाउंस करना चाहिए, ऊपर अगर 3300 ब्रेक करेगा तो 3400 के टारगेट। कोफोर्ज की बात कर ले तो कोफोर्ज में 3100 लगभग 3200 वाला जो टारगेट है वो लगभग आ चुका है, आज का हाई है 3194 या 95 मान के चल सकते हैं, नया पोजिशन 3200 के ऊपर ही बनेगा, टारगेट 3250 से 3300 का बनेगा। नौकरी यानी इन्फोएज 5000 के ऊपर निकलेगा तो 5100 से 5200 का टारगेट। LTI और नौकरी पे, इसी पे अगर नज़र रखना IT में तो इसी पे नज़र रखिए, नौकरी पे ज़्यादातर, तो नौकरी यानी कि इन्फोएज पे जो कि जोमेटो जिसके अंदर चलता है, तो जोमेटो अभी आपको पता है जब अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो खाना खाने कहाँ जाइएगा, नहीं जा पाएगा, तो आपको तो होम डिलीवरी खाना लेना होगा, तो कौन चलेगा, जोमेटो चलेगा। तो जोमेटो किसके अंदर आता है, तो इन्फोएज के अंदर आता है। इन्फोएज किसको कहते हैं, तो नौकरी को बोलते हैं। बस इस स्टॉक्स पे नज़र टिका के रखे रहिए, ब्रेकआउट भी मिल सकता है। 4800 के ऊपर अगर इन्फोएज निकलता है तो 5000 तक के टारगेट मिल जाएंगे इन्फोएज में बहुत जल्दी से, तो नज़र रखें। LTI की बात करें, LTI 4400 के ऊपर निकलेगा तो 4500 के टारगेट। एम्फासिस
1850 के बाद ही पोजिशन बनेगा, अभी कुछ भी नहीं है। सारे लेवल नीचे के 1710 के नीचे गिरने पर 1700-1670 का टारगेट, जस्ट डायल। बहुत भयानक, बहुत भयानक है। नीचे की साइड में अगर ये 840 ब्रेक करता है तेज़ी से गिरेगा, 810 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। बाकी कोफो बिरला सॉफ्ट की बात करते हैं आगे दोस्तों। बिरला सॉफ्ट की बात कर ले दोस्तों, तो बिरला सॉफ्ट आपके सामने आ रहा है, देखिए बिरला सॉफ्ट ये भी नीचे के लेवल दिखा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट ही इतना पिटाई लग गया तो क्या। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने तीन तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए। लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी, क्या करेगा कौन कितना दुर्भाग्यगा, तो कोई दिक्कत वाला वैसे घबराना डरने वाली बात नहीं है, पैसा तैयार रखिए, कैश इज किंग। मैंने एक पोस्ट किया था आने के बाद, जहाँ काम से गया था वहाँ से आने के बाद मैंने पोस्ट किया था मार्केट देखे हुए, पैसा तैयार रखिए, माल मिलेगा, बढ़िया बढ़िया माल उठा लेना है लंबे समय के लिए। अभी देखिए 282-284 ये सब रेजिस्टेंस लेवल है, ऊपर ब्रेक करेगा 300 के टारगेट बनेंगे, नीचे अगर 250 ब्रेक करता है सेल करेंगे 240 का टारगेट मिल जाएगा बिरला सॉफ्ट में। तो दोस्तों अब चलते हैं जरा मेटल स्टॉक की तरफ। फिर से याद दिला दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को गूगल प्ले से जरूर डाउनलोड करिए और स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं स्वागत है टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे भी आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। एपीएल अपोलो मेटल स्टॉक्स में रेजिस्टेंस लेवल है 1320 रुपये का, अगर ये 1320 को ब्रेक करेगा 1450 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे, नीचे सपोर्ट है 1180 रुपये का, अगर वो ब्रेक करेगा तो विध्वंस होगा, 1088 तक के टारगेट मिलेंगे। कोल इंडिया, इस पर तो मैं बता चुका हूँ, हज़ार बार बोल चुका हूँ कि भाई आपको कब पोजिशन बनाना है, 136 के ऊपर, कितने के ऊपर, तो 136 के ऊपर, मैं बोल बोल के थक रहा हूँ, आप लोग सुन सुन के भी थक जाते होंगे, तो 136 के ऊपर निकले तभी पोजिशन बनाइए, उसके पहले फंसा लेगा, ये बात मैंने कहा था, तो अभी आपने नहीं बनाया तो अच्छी बात है, छोड़ देंगे इसको। हिंडालको की बात करें, हिंडालको जिस तरह से ये हवाई जहाज जा रहा था, देखिए यहाँ से भी हवाई जहाज गया, यहाँ से भी हवाई जहाज गया, और उसके बाद अब ये हवाई जहाज थोड़ा सा रुका है, लेकिन हवाई जहाज में फिर मूवमेंट आएगा, अगर 355-60 को ब्रेक करता है 365-70 के लेवल, अगर ये नीचे ब्रेक करता है 330 को सेल करेंगे 320 का टारगेट हिंडालको में। हिंद कॉपर की बात कर लेते हैं, हिंद कॉपर का एक लेवल है अपसाइड में जाने के लिए 150 को ब्रेक करेगा 160-170, लेकिन फिलहाल अगर ये नीचे ब्रेक करता है 130 तो सेल करेंगे 125-120 का टारगेट। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक पर 320 का रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तभी पोजीशन बनेगा, नहीं तो छोड़ देंगे अभी। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये स्टॉक हवाई जहाज है, लेकिन कल नज़र रखिए, कल बहुत ही क्रूशल लेवल है 595 का, अगर ये 595 को नीचे ब्रेक करता है तब ये ख़राब हो जाएगा, टारगेट इंट्राडे में भी आपको 585 तक के भी टारगेट देने की कोशिश करेगा जेएसडब्ल्यू स्टील, तो काफ़ी अच्छे लेवल पर है और होल्ड कर रहा है अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को, तो ये देखने लायक बात है कि कल ये होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता है जेएसडब्ल्यू स्टील। आगे बढ़ूंगा जिंदल स्टील में, इसमें भी वही कंडीशन होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट है इसके पास 380-383 का, इस दोनों लेवल को अगर ये ब्रेक करे तो 360 तक के टारगेट दिखा सकता है। मोइल की बात करें तो मोइल अब नीचे आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन कोई बात नहीं होना, कोई परेशानी नहीं है, परेशानी इसलिए नहीं कि मार्केट की गिरावट में भाई सब गिरेगा, कोई नहीं बचेगा, है ना, कद्दू कटेगा तो सबको मिलेगा, यही हिसाब है, तो यहाँ पे वही हिसाब हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बात है 155-156 के ऊपर निकलेगा तो 60-65 का टारगेट बनेगा, नीचे अगर ये ब्रेक करता है 148-147 को तो सेल करेंगे 140 के टारगेट के लिए मोइल को। मिधानी की बात करते हैं, मिधानी वापस से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बाय जोन पर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार थोड़ा सा मामला है कोरोना का, मामला है लॉकडाउन वाला, तो थोड़ा सा संभल लीजिएगा, 174 के नीचे सेल बन सकता है 170 के टारगेट के लिए। NMDC ये सारे 7-7%, 8-8% गिरे हैं, इतना विध्वंस कहाँ से संभलेगा मार्केट भाई साहब, सब तो वहाँ मीटिंग कर रहा है कि मारो लॉकडाउन,
कोई उपाय भी नहीं है ना, हम लोगों की बेवकूफ़ी से लॉकडाउन लग रहा है। हम लोग की बेवकूफ़ी क्या, हम लोग खाली एकदम जो है ना ऐसे ही घूमने लग गए जहाँ तहाँ और बिना मास्क के बिना प्रोटेक्शन के, तो लोग ये हो गया डर गड़बड़। तो ये सब चीज़ें हैं, लोगों को अपना भी सेल को जिम्मेदारी समझना चाहिए अपना, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। समझाइए तो आप ही को लड़ पड़ते हैं, क्या बताएं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा दोस्तों 140 को तो बाय करेंगे 145 के टारगेट के लिए, नीचे ब्रेक करेगा 134 को, 34 के पास तो ऑलरेडी ये है, 130 के नीचे ब्रेक करेगा तो 120 तक का टारगेट, 25 से 20 का मिलेगा एनएमडीसी में। नेशनल एलुमिनियम की बात कर ले, नेशनल एलुमिनियम अभी कुछ नहीं करेंगे, एक सपोर्ट है नीचे 50 का, तो 50 के पास इसको होल्ड करना चाहिए, 50 को ब्रेक करेगा तब दिक्कत होगा इसको। रत्नामणि मेटल्स देखिए क्या रिजेक्शन आया है, 2132 से सीधे 2000, हाँ क्या करेंगे इसको, छोड़ दीजिए। 1960 के नीचे निकलेगा, 1900 का टारगेट मिलेगा। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 80-82 का, अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते तो 74 के टारगेट मिलेंगे। टाटा स्टील की बात करते हैं, टाटा स्टील में कल सेल साइड का मूवमेंट देखेंगे, 840 के नीचे टारगेट 830 का होगा, 820 का होगा। अप साइड में जाने के लिए 865 ब्रेक करना होगा, देन 880 का टारगेट। वेलस्पन कॉर्प नज़र रखिए, वेलस्पन कॉर्प आने वाले दिनों में स्टॉक अच्छा मूवमेंट कर सकता है, चार्ट तो बढ़िया है ही, फंडामेंटली भी ये एक अच्छी कंपनी है वेलस्पन कॉर्प, तो नज़र बना के चलिए वेलस्पन कॉर्प में 156-157 के ऊपर 165 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल और आईटी पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को जरूर डाउनलोड करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।